सबसे पहले मैं इनका इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, इनका नाम क्या है, कहाँ से आती हैं, इनका कोर्स क्या है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्टली गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेल, माय नेम इज प्रीति, आई एम फ्रॉम निकासीपुर आजमगढ़ एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। नाउ दिस टाइम आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। माय कोर्स नेम इज ADCA। ADCA स्टैंड फॉर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। जैसे आप देख रहे हैं ADCA का अगर आपका कोर्स है तो आपको पता होना चाहिए ADCA फुल फॉर्म करता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कंप्लीट कर चुके हैं, एमएस ऑफिस वर्ड, एमएस ऑफिस एक्सेल अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल करने वाला हूँ कि आप एमएस ऑफिस वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और एमएस ऑफिस एक्सेल चला रहे हैं, सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएस ऑफिस वर्ड एंड एमएस ऑफिस एक्सेल, दोनों में अंतर क्या है? एमएस ऑफिस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम रिज्यूमे, बायोडाटा, CV, लोगो, रसीद, क्वेश्चन पेपर, इन सबको क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड। आपने देखा एमएस ऑफिस क्या है, वर्ड प्रोसेसर या तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बोल सकते हैं जिसमें हम रिज्यूमे, CV, बायोडाटा और बहुत सारा ऑप्शन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो और एक्सेल क्या है, तो एक्सेल बताना चाहेंगे? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब काम करते हैं, जैसे सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्या हम सिर्फ इसमें फार्मूला की यूज़ करते हैं एक्सेल में? नहीं, इसमें हम फिल्टर, पावर टेबल, चार्ट, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो और मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, जैसे आपने बताया कि एमएस ऑफिस वर्ड में रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, जब आप रिज्यूमे लिखते हैं तो लेफ्ट साइड लिखाता है, क्या उसको हम राइट या सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं? तो अगर हम सेंटर करना चाहते हैं जो हम रिज्यूम लिखे हैं रिज्यूमे, तो सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ई। बोल्ड करने की? कंट्रोल बी। इटैलिक करने की? कंट्रोल आई। अंडरलाइन करने की? कंट्रोल यू। वेरी गुड। जो भी मैं पूछ रहा हूँ बहुत तेज बता रहे हैं। अगला सवाल मैं पूछने वाला हूँ, जो कि आप रिज्यूम लिखे हैं, आपने देखा रिज्यूम को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या रिज्यूमे को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए के अलावा क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो या लेफ्ट एरो, या फिर हम माउस की लेफ्ट बटन से दो बार क्लिक करेंगे हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। दो बार क्लिक करेंगे तो आप वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, थ्री बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल मैं पूछने वाला, जो आप सेलेक्ट किए हैं अगर वो स्मॉल में अपर करना चाहते हैं या लोअर केस करना चाहते हैं, सेंटेंस वाइज करना चाहते हैं, क्या इसकी कोई शॉर्टकट की है? यस सर, Shift F3। Shift F3 अगर आप प्रेस करते हैं तो चेंज केस होता है। चेंज केस का मतलब होता है अगर आप स्मॉल में पूरा लिखे हैं तो उसको आप कैपिटल में कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए एक्सेल से मैं सवाल कुछ करने वाला हूँ, जिससे आपने एक्सेल में फार्मूला देखा होगा, मार्कशीट का फार्मूला आप यूज़ कर रही हैं, कर चुकी हैं, SI को हो गया, CI को हो गया। देखा कि एक्सेल में कुछ फुल फॉर्म होते हैं, जैसे CI फुल फॉर्म, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको हो गया है। और TA का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। और DA का मतलब? डियरनेस अलाउंस। HRA का मतलब क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। और PF का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। ESI मतलब? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। वेरी गुड। अगर आप एक्सेल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, OT क्या होता है, OTA क्या होता है, PF क्या होता है, ESI क्या होता है, जो कि ये सब एक्सेल में देखने को मिलता है। तो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, एक्सेल में आप फार्मूला यूज़ की होंगी, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, बहुत सारा फार्मूला होता है, तो काउंट का फार्मूला किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम नंबर को काउंट करते हैं उसके लिए काउंट का फार्मूला यूज़ किया जाता है। काउंटा का? काउंटा मतलब नाम और नंबर दोनों को सिलेक्ट करते हैं। और काउंट ब्लैंक का मतलब? जब हम खाली स्थान को सिलेक्ट करते हैं, खाली सेल को, तब काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। वेरी गुड। आपने देखा एक्सेल में बहुत सारा फार्मूला होता है। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जैसे आप एमएस ऑफिस वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, अगर पेज बॉर्डर का यूज़ करना हो गया, वाटरमार्क का यूज़ करना हो गया, या पेज को कलर करना हो गया, तो उसको करने के लिए हम किस मेनू में जाते हैं या किस टैब में का यूज़ करते हैं? पेज लेआउट टैब या मेनू। हाँ, पेज लेआउट है, क्या होता है, टैब होता है, मेनू होता है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, पेज बॉर्डर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, या तो वाटर मार्क लगा सकते हैं। कुछ और शॉर्टकट की का यूज़ मैं करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जैसे एमएस ऑफिस वर्ड में कंट्रोल W से क्या होता है? क्लोज डॉक्यूमेंट्स। और कंट्रोल K से? हाइपरलिंक। कंट्रोल K से हाइपरलिंक। कंट्रोल H से? रिप्लेस। वेरी गुड। कंट्रोल G से क्या होता है? गो टू। अगर 10 पेज है तो आप 5वें पेज पे जाना चाहते हैं, गो टू का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और F1 से क्या होता है? हेल्प। F1 से हेल्प होता है। अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे सीट होता है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, अगर सीट को इंसर्ट करना है, जैसे आपके पास एक सीट है और दूसरी सीट लाना है, तो क्या करते हैं? शिफ्ट F11 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कमेंट करिएगा Shift F11 से क्या होता है, तो न्यू सीट होता है, ओनली F11 से क्या होता है एक्सेल में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।